नमस्कार जी, मैं अजय कुमार, गोविंद इलेक्ट्रॉनिक्स के गोविंद लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के पाठ 2 के फर्स्ट इकाई का पढ़ें, पादप। इस पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऊतक क्या होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह है जिनकी क्रियात्मक और संरचनात्मक कोशिकाएं है समान होती। ये कोशिकाओं का समूह जो संरचना में और क्रिया में दोनों प्रकार से समान होता है तब कहता है। और पादप तब होते हों वे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, उनको विभोजक और स्थिर। विभोजक हमने कब पढ़े, विभोजक के भाग में हमने बताया है कि विभोजन का जो विभाजन हो सकते हैं, इनका काम ही विभाजन होना है, नए इनका निर्माण करना है। जो बिल्कुल शीर्ष पर पाए जाते हैं, यहाँ पत्तियां हैं वो पौधे की या जड़ों की। तो दूसरा होता है अंतरिक्ष और तीसरा होता है पाषाण। पाषाण जो सबसे पीछे के भाग में होते हैं और अंतरिक्ष जो नए निर्माण करते हैं। आगे पढ़ेंगे स्थायी उत्तक, यानी इनके नाम से ही जाना जाता है कि ये विभाजित नहीं होते हैं, बल्कि जो विभोज्य उत्तक हैं विभोज्य उत्तक ही इनका निर्माण करते हैं। विभाजित होकर के स्थायी उत्तक करते हैं, अर्थात स्थायी उत्तक वे उत्तक होते हैं जो विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। और ये किसी एक ऐसी चीज का निर्माण करते हैं, किसी ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जो पौधे के किसी काम या ये अपरिपक्व कोशिकाओं के बने हैं, परिपक्व कोशिकाओं के बने हुए होते हैं जो स्थायी उत्तक होते हैं। ये भोज्य उत्तक द्वारा ही बनते हैं, परंतु ये अपनी विभाजन की क्षमता को खो देते हैं और जिसके कारण ये स्थायी कोशिकाओं की तरफ किया जाता है। ये किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए एक निश्चित आकार और निश्चित संरचना का रूप ले लेते हैं। स्थायी उत्तकों के लक्षण यानी किस प्रकार के, ये स्थायी उत्तक होते हैं, ये मर्द और जीव दोनों प्रकार की कोशिकाओं के बने हो सकते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं मर्द भी हो सकती है और डेड या मरी भी हो सकती है और जीव की कोशिकाएं भी हो सकती है। इन उत्तकों की जो कोशिकाएं हैं वो पतली या मोटी कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, यानी जो बाहर का बाहरी आवरण से घिरी हुई रहती है। इनकी कोशिकाएं विशेष कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार ले लेती हैं। इनमें कोशिका द्रव्य, इनके कोशिका द्रव्य में बड़ी रसधर्मियां होती हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में जो जीवित कोशिकाएं होती है उनमें अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, जो मर्द कोशिकाएं होती है उनमें स्थान या अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। ये स्थायी उत्तक होते हैं, ये पौधों में दो प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। पहले हम सरल उत्तक का अध्ययन कर रहे हैं। सरल उत्तक के तीन भाग हैं, मर्द उत्तक, स्थूल उत्तक और दृढ़ उत्तक। और जटिल जो उत्तक होते हैं ये इनको बोलते हैं दारु या जाइलम, दूसरा और होता है कोशमा या फ्लोएम। बात करें मर्द उत्तक की, मर्द उत्तक जो है वे कैसे होते हैं, ये सबसे सरल इस नाम से मर्दु मतलब आसान से सरल अवशिष्ट पादप अवशिष्ट पादप उत्तक होते हैं। ये प्राय समान व्यास में गोल अंडाकार या पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं का समूह होते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में काफी अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है, अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है, यानी इनकी जो कोशिकाएं हैं वो दूर दूर होती है। इनकी कोशिका की जो भित्ति होती है, कोशिका की दीवार होती है बहुत पतली होती है और सेलुलोज से बनी हुई होती है। इनकी कोशिकाओं के बीच में बड़ी रसधारियां होती हैं। इनके जो काम है मर्द उत्तक, मर्द उत्तक का कार्य है, मर्द उत्तक का मुख्य कार्य है जल और खाद्य पदार्थों को संचित करना होता है। पौधे की जड़ों से सोख करके जो जल और खाद्य पदार्थ उनका संचित करना होता है। दूसरे इसका काम हरित द्रव उपस्थित होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण करने का कार्य इसी के कारण होता है, मर्द उत्तक के कारण होता है। जो पादप जो पौधे जल में तैरने वाले होते हैं तो उनके तैरने में और श्वसन में सहायता करते हैं।
जो मासूम और तने और पत्तियों के मर्दू तक कोशिकाओं में स्नेह मत जल या रबर अक्षय एकत्रित होता रहता है, जैसे नाक नहीं है वाले इतने जो रबर वाले होते हैं तो उनमें जो एकत्रित होती है दूध साफ एकत्रित होता है वो उनके द्वारा होता है। विभाजन अक्षमता लौटाने पर ये द्वितीय वृद्धि करते हैं, भाव भरने का आदि के काम भी आते हैं। किसी की पौधे के मान बाहर से कुरेद दिया या खुद को भी छोड़ दिया तो उसको पूरा करने काम आते हैं। ये अधिक जोर शोक करके स्थित रहने के कारण इसकी कोशिकाएं कोमल भाग को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। मृदु तक जल और खाद पदार्थ के अनुपस्थित स्थान जल में सहायता करने के काम आते हैं। अब दूसरा आया इसका स्थूल कोमल, इस उत्तर की कोशिकाएं लंबी और जीवित होती है, ये जीवित कोशिकाओं को बनाता है जीवित कोशिकाओं को, तो इनमें अंतर कोशिका स्थान अवकाश प्राय अनुपस्थित होता है, बहुत कम स्थान होता है या न कि बराबर होता है, क्योंकि कोशिकाओं के किनारों पर कोशिका भित्ति के ऊपर बैक्टीरियल परत बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका भित्ति मोटी और दृढ़ हो जाती है। वहां पर स्थित अंतरा कोशिका अवकाश भर जाते हैं। स्थूल कोण पर मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री मतलब जिसके जैसे चने का पौधा है जिसके बीज के दो बराबर भाग हो जाते हैं, तो कणों की पदस्थ कोशिका पर पाए जाते हैं। इनके काम जो स्थूल कोण तक है, स्थूल कोण तक की उपस्थिति के कारण पौधे के जो कोमल भाग है उनमें लचीलापन और मजबूती प्रदान करते हैं। मृदु तक की तरह यह पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने में मदद करता है, सहायता प्रदान करता है। इनमें हरित लवक पाया जाता है, ये भोजन के निर्माण में सहायक होते हैं। पेक्टिन और सेलुलोज की उपस्थिति के कारण इसकी कोशिकाएं जल संचय में सहायता करती है। तीसरा आया दृढ़ होता है, ये जीवित कोशिकाएं होती है वे प्राय मृत कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है लंबी और दोनों सिरों से नुकीली होती है, इनके ऊपर सेलुलोज और लिग्निन की मोटी भित्ति पाई जाती है। यह लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है। ये इनकी जो बाहरी दीवार है वो इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिका के भीतर कोई दूसरा पदार्थ या कोई स्थान नहीं रहता है या दूसरा पदार्थ कोई दूस नहीं सकता है। मर्द होने के कारण इनमें कोई चीज नहीं बना होता है। दर्दोदक पादपों के तने पत्तियों की सिरा फलों तथा बीजों की कठोर आवरण और नारियल जिसमें जैसे बाहरी छिद्र होते हैं इनमें पाए जाते हैं। अब इसके काम दृढ़ोदक का पहला तो कार्य इसका यह है कि यह यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, दूसरा पौधों में जो बाहरी उसकी परत बनाता है रक्षा प्रदान करता है। उत्तक की कोशिका मृत होने के कारण जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है, यानी जल को भी एकत्रित करते हैं। अब आया जटिल उत्तक, ये जटिल उत्तक है को कहते हैं इसको दो भागों में बांट सकते हैं, दालू या जायदा या दालू या जायदा। यह जल समय उत्तक कहलाता है, यानी जल को सोखता है, जल को सोख करके पादपों के दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य इसका ही होता है। यह पादप का प्रमुख काष्ठीय भाग भी बनाता है, यानी जितने भी इसमें पौधे में जो भाग है जिसमें लकड़ी वगैरह पाई जाती है ये इसके इसी उत्तक के द्वारा बनी हुई होती है जायदा के द्वारा। तो इसमें चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, वाहिनिकाएं वाहिकाएं दारू मृदु तक और दारू तंत्र। अब दारू जायदा में जो वाहिनिकाएं होती है किस प्रकार की होती है, ये इस प्रकार की जो कोशिकाएं निर्जीव लंबी नली प्रकार और दोनों सिरों पर नुकीली होती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपका दृढ़ होता होता है। जो वाहिकाएं होती है ये भी पतली बेलनाकार और नली में वाहिनिकाओं की तरह पेशिकाएं परंतु इनकी चौड़ाई वाहिनिकाओं की तुलना में अधिक होती है, यानी वाहिनिकाओं की जो चौड़ाई है वो कम होती है वाहिकाओं के मुकाबले में। जो मृदु तक दारू मृदु तक है ये जीवित कोशिकाएं हैं जो मृदु तक के समान होते हैं, परंतु इनकी भित्ति लिग्निन जमा होने के कारण
प्रकार की कोशिकाएं निजी लंबी पतली और सिरों से नुकीली हो जाती है। ये पौधों को सहारा प्रदान करने का ये करती है। इसके काम जो जाइलम के तो पौधे को यांत्रिक वृद्धि में सहायक है। दूसरा जड़ों द्वारा अवशोषित जल लवणों को घोल कर पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम दारू तक कर होता है। दूसरा इसका पोषवाहक ग्रहण, पोषवाहक ग्रहण इसकी दृढ़ भित्ति लगने की युक्त होती है। इस उत्तर का मुख्य कार्य पौधों में जो संचित पदार्थ होता है, जो भोजन संचित पदार्थ होता है उसका संग्रहण करना होता है, पौधे के पत्ते का लगा उसको पहुंचाना है। ये भी चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहली है चालनी कोशिकाएं, सहकोशिकाएं और पोषवाहक मर्दोत्तक और पोषवाहक रेशे। चालनी नलिकाएं ये विशेष प्रकार की नलिकाएं संरचना होती है। ये अनेक सजीव और लंबी कोशिकाओं के सिरे कतार में जुड़ने के फलस्वरूप बनती है। सहकोशिकाएं ये कोशिकाएं लंबी पतली और चालनी नलिकाओं के पास में उपस्थित उनके पिछली तरफ उपस्थित पाई जाती है। पोषवाहक मर्दोत्तक चालनी नलिकाओं के बीच बीच में साधारण मर्दोत्तक के समान जीवित लंबी और केंद्रक युक्त छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है जो पोषवाहक मर्दोत्तक कहलाती है। पोषवाहक रेशे के लंबे दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं, पोषवाहक को यांत्रिक शक्ति और दृढ़ता प्रदान करते हैं पौधे को। अब इसके कार्य पोषवाहक जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोजन होता है उसको पादप के या पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। यह एक ऐसा एकमात्र तक है जो पादपों को यांत्रिक शक्ति और संचयन शक्ति दोनों प्रदान करता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, बाकी जो आपका लिखने का कार्य है वो इसकी कॉलेज की वेबसाइट पर भेज दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके और अपने कार्य को पूरा करें। थैंक यू। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें।